नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल एस्ट्रोलॉजी पर और मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि एक वीक जुपिटर जो है उसकी क्या पहचान होती है, कैसे हम पहचाने कि किसी नेटिव का जुपिटर जो है वो वीक है। अगर हमारे पास उसका जन्म पत्री नहीं भी है तो हम कैसे किसी को देखकर एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं कि इसके चार्ट में जुपिटर जो है वो नेगेटिवली काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, जुपिटर जो है वो हमारा शिखा वाला जो पार्ट होता है, जो यहाँ पे होता है, वहां से आप देखेंगे कि बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे और उस जगह पे गंजापन आने लग जाएगा। एक तो ये इसकी निशानी है। दूसरी क्या है कि जो है आदमी गले में कोई भी धागा गांठ लगाकर पहनना या माला या लॉकेट पेंडेंट डाल के रखने का जो है वो आदि हो जाएगा, वो हर समय उसको पहन के रखेगा। इससे भी हम जान सकते हैं कि उसका बृहस्पति जो है वो कमजोर है चार्ट में और उसके उपाय करने की उस नेटिव को बहुत जरूरत है। उसके अलावा जुपिटर क्या है, होप्स का कारक है, आशावादी जो है वो रहने का कारक है, ऑप्टिमिज्म का कारक है। जब जुपिटर चार्ट में कमजोर हो जाता है उस वजह से क्या है कि नेटिव जो है वो निराशावादी हो जाता है, दुखी रहने वाला, एकाकी रहने वाला, और डिप्रेशन जैसी जो बीमारियां हैं वो भी नेटिव जो है उससे ग्रस्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है वो हैप्पीनेस है और ऑप्टिमिज्म है। जब किसी की लाइफ से खुशियां और जो ऑप्टिमिज्म है, सकारात्मकता है, वो चली जाएगी तो सीधी सी बात है वो जो है वो डिप्रेशन की ओर उसको धकेलेगी। अब इसके लिए हम उपाय क्या कर सकते हैं, इसके लिए सिंपल उपाय है जो कोई भी कर सकता है और जिनके जुपिटर जो है वो वीक नहीं भी हैं चार्ट में, अच्छे बैठे हैं, तो उसको और बल देने के लिए भी आप ये कर सकते हैं। ये जनरली कोई भी कर सकता है कि हल्दी या केसर का तिलक जो है वो आप अपने माथे पे इस जगह आप लगाएं जहां पे बिंदी लगाई जाती है वहां पे लगाएं। अगर वहां लगाकर आप किसी कारणवश जो है अपने कार्य क्षेत्र में या कहीं आप जाने में असुविधा अगर आपको लगती है तो आप थोड़ा सा सुबह सुबह नहा धो के पूजा करने के बाद अपनी जीभ के ऊपर थोड़ा सा केसर या हल्दी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसको जीभ पे लगा सकते हैं और नाभि पे लगा सकते हैं। आप इनमें से किसी भी जगह पे हल्दी या केसर का तिलक जो है वो अप्लाई करिए, जहां बिंदी लगाते हैं वहां, अपनी जीभ के ऊपर या अपनी नाभि के ऊपर, तो इससे भी आपको जो है वो जुपिटर के पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। और आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आसपास की चीजों को मूल्यांकन करें, इवैल्यूएशन करें उसका, और उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताइए जो चीजें या जो लोग आपको सकारात्मक ऊर्जा जो है वो देते हैं। अगर आपको वो सकारात्मक ऊर्जा पशु पक्षियों के साथ मिलती है तो उनके साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करिए, पढ़ के मिलती है या बच्चों के साथ खेल के मिलती है, जिस भी चीज से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है वो काम आप जरूर कीजिए ताकि आपका जुपिटर जो है वो पॉजिटिव आपके चार्ट में आपको रिजल्ट दे सके। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।